हरदोई के सवाजपुर कोतवाली इलाके में किराए के मकान में आबकारी विभाग में तैनात एक हेड कांस्टेबल का शव उसके कमरे में पड़ा मिला और घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। आपको बताते चले कि फोरेंसिक टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सवाजपुर में किराए के मकान में रह रहे आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप का शव कमरे के अंदर पड़ा मिला और ये बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल बीते 1 जनवरी से आसपास के लोगों को नजर नहीं आया था और शनिवार दोपहर को मकान मालिक के पहुंचने पर पता चला और कमरे में सिपाही अकेला रहता था। वो मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और आसपास के लोगों ने ये जानकारी दी है कि सिपाही नशेड़ी प्रवृत्ति का था। वहीं घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही है। थाना सवाजपुर के में आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले 1.5 साल से तैनात थे और जो वहाँ अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे। सवाजपुर के ही कस्बे में एक मकान में किराए के रहते थे। आज उनकी उनके मकान में ही डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में ये बताना है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले 3 दिन से किसी को दिखाई नहीं पड़े थे। जब मकान मालिक की जानकारी हुई कि वो दिख नहीं रहे हैं तो उसने जाके देखा और वो अपने ही बिस्तर पर औंधे पड़े हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को आई, तत्काल पुलिस ने पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जाहिरा कोई चोट नहीं है। फील्ड यूनिट द्वारा अभी गहनता से परीक्षण किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इसमें विधिक कार्रवाई करेगी।